इतनी तेज जा रही है यार, ये तो छोटी ही है। ओहो, इनको इतना मटन मिल रहा है, देखिए जाड़गी फेदी को इतना ज्यादा मटन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सब लोगों को स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तकरीबन 1.5 महीने या फिर 2 महीने के बाद आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो भाई आज हम लोग ना, हम गोर बंजारों के लिए बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि 3 साल में एक ही बार मेला लगता है, जैसे कि कुंभ मेला लगता हो हमारे समाज में। आप समझ सकते हो कि तकरीबन ये मेला है ना, ये मेला जो है ना कुंभ मेला से भी बहुत ही बड़ा छोटा है, लेकिन 3 साल में एक बार हम लोग मनाया जाता है, बलि वगैरह बहुत ग्रैंड से मनाया जाता है। तो आज देख सकते हो यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, एक के पीछे एक लाइन। अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेन आ रही है, हम सुबह से 4 बजे से लेके आ रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो फाइनली यहाँ पर समय था सोचने का, तो सोचने के लिए भी टाइम नहीं था यार, इतना तैयारी करके आना था तो समय था, तो सोच के अभी वीडियो बना रहे। तो फिलहाल ट्रेन को जाने देते हैं और सीधे आप लोगों को मेले में मिलते हैं, बहुत ही ग्रैंड जिस तरीके से। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ बचपन से लेके, मेरी ख्वाहिश थी जाने का, लेकिन आज जा रहा हूँ। देखिए कितनी तेज जा रही है यार, ये तो छोटी ही है भाई, जनरल ट्रेन है, मैं समझा था बहुत बड़ी होगी, खत्म। चलिए हम ऑटो में निकलते हैं, बहुत पीछे है हमारा ऑटो, बहुत बहुत ही ज़्यादा, कितना दूर है देखिए। लेट्स गो ड्राइवर जी। भाई इन महाराजा को देखिए कैसा बैठा हुआ है गाड़ी पे, अगर पीछे से गिर गया है ना, इसके हड्डी पसली एक हो जाएगी सब कुछ मिला के। और ये देख सकते हो, तो बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है, बड़ी बड़ी ट्रक वगैरह, ऐसे गाड़ियाँ ऑटो इतने सारी है कि आप हिसाब नहीं लगा पाओगे। और ये हमारे ऑटो ड्राइवर भैया जी, हम दो ही हैं जो ऑटो में जा रहे हैं, और हमारी भी आगे तूफान की तरह गाड़ी निकल चुकी है, शायद हम बहुत लेट से पहुँचेंगे। कुछ हमारे गांव के लोग तो, कुछ लोग तो भाई पूरे के पूरे रात से ही जा रहे हैं सोने के लिए, टाइम के लिए, इतना गाड़ियाँ जा रही है ना वहाँ पर। और अभी भी देख सकते हैं ये सिर्फ गोर बंजारा का पावर है अभी तक। और यहाँ पर प्रूफ भी देख सकते हो, कितना बड़ा झंडा लहरा रहा है हमारे सेवालाल महाराज जी का। ये ड्राइवर तो फॉर्म में आ गया यार वीडियो देख के। और अभी हम जिस मेले के लिए जा रहे हैं ना, उसे कहीं कम ना समझना, क्योंकि भाई ये मेला जो है ना हम लोगों के लिए 3 साल में सिर्फ एक बार आता है, और हम गोर बंजारों के लिए बहुत ही बड़ा दिन रहता है। और यहाँ पर दुर्गा माता जी को यहाँ पर बलि के रूप में बकरे भी चढ़ाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत सारे यार पूरे के पूरे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे के छोटे बड़े गाँव से बहुत ही बड़े बड़े लोग भी आते हैं यहाँ पर माता जी को बलि चढ़ाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी ट्रैक्टर में भी पूरा भर के जा रहा है भाई। ये तो अभी पहुंच रहे हैं सुबह से, यही गाड़ी जा रही है ना, ये हमारी है, और हम ऑटो से इनसे पहले पहुंच गए। ये क्या पहुंचते ही खाना खाना शुरू, और इतनी दूर से मेला कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखिए अभी पूजा के लिए निकलना है भाई, मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन यार इतनी भीड़ है ना भाई, कोई हद नहीं है। यहाँ पर भी देख सकते हो कितने सारे भीड़ है यार। और ये देखिए ये जो कॉइन ऊपर चिपका रहे ना, यहाँ पर आपने मन्नत पूछ रहे हैं कि आगे काम होगा या नहीं होगा, इसके लिए कुछ कॉइन यहाँ पर वो दीवार के ऊपर चिपका रहे, अगर वहीं टिका रहा तो समझ लेना आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, अगर नहीं टिकी तो समझ लेना वो काम नहीं होने वाला है। तो यही प्रश्न यहाँ पर सारे भक्त माता जी से पूछ रहे हैं, देख सकते हो आप भी। फाइनल यार जिस समय का इंतज़ार करा था वो समय आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए वॉइस ओवरिंग करना पड़ रहा है। और दोपहर का और अभी का फुटेज में कितना फ़र्क है देख सकते हो, कितना खूबसूरत दिख रहा है यार, मिनी स्विट्जरलैंड की तरह
भाई मुझे तो पहली बार देख रहा हूँ ये एक्सपीरियंस, और हम झूला भी झूलने वाले हैं और देख सकते, बहुत मज़ा आ रहा है यार पहली बार ये एक्सपीरियंस करते हुए मुझे। और बाद में सारे परिवार वालों को, मेहमानों को बुला के लेके आऊँगा, क्योंकि वहाँ पर पूजा वगैरह होके खाना वगैरह खिला दिया है। और यहाँ पर यार मुझे बार बार यहाँ पर इतना राउंड मारा है ना, मैंने झूला अब तक नहीं खाया है, बार बार वहीं पर घूमने का मन कर रहा है मुझे। देख सकते हो मैं कितना पागलों की तरह घूम रहा हूँ। और हम यहाँ पर पूरे परिवार के साथ एक डिस्को डांस यानी कि ब्रेक डांस में आके बैठ चुके हैं। और जैसे ही शुरुआत हुई, पहले तो कुछ नहीं फील होता यार, बाद में इसने इतना स्पीड बढ़ाया ना भाई, हमारी दीदी भाभियों को सबको, मुझे भी मिला है कि नानी दादा परदादा जो भी हमारे रिश्तेदार थे ना, सब लोग यार याद आ गए, इतना खतरनाक सा डर लग रहा था। तो भाई अगर आप लोगों को झूले में बैठने में वगैरह डर लगता है यार, बिल्कुल मत बैठना, बहुत खतरनाक है ये, और उल्टी वगैरह भी हो सकती है। तो आज का है दूसरा दिन, तो ये सब कुछ पैकिंग हो रहा है और निकलेंगे अभी नदी में नहाने के लिए। तो यहाँ पर खान पान चल रहा है फिलहाल के लिए। तो भाई सीधे गद्दनगिरी से हम पहुँच चुके हैं आलमट्टी। ये देख सकते हो यहाँ पर वो जो डैम दिख रहा है ना, वो है लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रचलित और बहुत ही फेमस है हमारे यहाँ, हमारे गाँव बीजापुर से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर सारे के सारे जो मेले में थे ना लोग, वो सारे यहाँ पर आ चुके, ताकि जो दो बकरे की बलि चढ़ाए हैं ना, तो उसके पाप धोने के लिए आए होंगे शायद, यही मान्यता होगी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आके नदी में नहा रहे हैं वहाँ पर है, और हम भी दोनों भी अभी नहाने के लिए जा रहे हैं हम दोनों भाई, अंदर मज़ा आएगा नदी में बहुत दिनों बाद यार। और इसको देखिए, बकरे के बलि करके उसकी मटन भी खाया है इसने, और अभी उसकी पाप धोने के लिए जा रहा है। मैं तो खाता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना पाप धो रहा हूँ। सामान खोले कौन धोवाड़ो बेबेड़ी, हाँ शाबाश, चलो हमारा सामान धो दो। तैयार है अंदर लाइक करना। आज देखो ना मामा जा रहे हैं, देखो पूरी है, आज देखो हम देखो नदी में जा रहे हैं, आज देखो यहां पर बहुत बड़ा नदी है, आज हमारा मामा इसमें तैरने वाला था, अभी देखो ये अभी तैरने वाले हैं, अभी देखो पर फिर रहे हैं, ये देखो ये सब फिर रहे हैं, इसमें अंदर मंगल है, वो भी बहुत अंदर, ये देखो कैसे कैसे चलते चलो सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे पहने के देने के लिए, देखो ऐसे वैसे कर रहे हैं, अब अंदर जा रहे हैं सब लोग। देखो कितना अंदर कर गए अंदर दर गया हमारे कका, देखो देखो बाहर कैसे आया, अभी अभी देखो और भी दर गया, और अभी अभी बाहर आया, देखो यार अब सूर्य का क्या करता है पता नहीं यार, उस जब अंदर जाएगा बाहर निकलता कर रहा है सर में, देखो अभी अभी हम जा रहे हैं अंदर, देखो अंदर जा रहे हैं। हाय गाइस, आज देखो हमारा भैया जा रहे हैं, सूर मामा बहुत दूर उतर गए हैं, अभी देखो अब क्या करते हैं पता नहीं यार आगे। ये देखो देखो नमः शिवाय हमारा तरह कनला किला को, देखो क्या क्या जूटा काट के क्या क्या कर रहे हैं, देखो यार यारी
भाई मस्त सा लाखों करोड़ों दिनों का पाप धुल गया और अभी ये सामान धो के आएंगे माँ और दीदी वगैरह सब लोग और हम चलेंगे अभी गाड़ी के पास और हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर, हमें वहाँ तक चल के जाना पड़ेगा अभी। चलिए वाटरमेलन खाते, एक इलेवन कर बेटे। हाँ हाँ जो सुनी टेंशन क्यों लेगा, ए बना ऊपर ले, बना ऊपर ले, बना ऊपर ले, काटा खाओ, ए लनी, ए मैं खाऊंगी का। अपन का पूरे लेके आने तक ये लोग बकासुर की तरह खाने बैठ चुके हैं। ये देखिए नदी के बीच में जो मजा है ना इनको मिलेगा। हाँ ओहो इनको इतना मटन मिल रहा है, देखिए जाड़गी फेदी को इतना ज्यादा मटन। अरे मने मने में घाल के रिस घाल। हाँ तुम्हें भी मजा आएगा। तो भाई फाइनली ये चूती लोग मिल चुके हैं दोनों। भाई मेले में नहीं मिल पाए क्योंकि वहाँ पर ना कांटेक्ट होने की संभावना ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क जाम रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर नेटवर्क है नदी के पास, तो यहाँ पर आ रहे, चलो खाना खाएंगे। अभी तो नहीं खाएगा, हम सब खा पाए। चल भाई चादर चोर आ जाओ। तो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है खाना और ये देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ, ये पूरा का पूरा जो बीच की तरह है ना पूरा भरा पड़ा हुआ है सिर्फ लोगों के से, सिर्फ लोगों से। तो फिलहाल अभी निकलेंगे हम घर क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं, शाम तक 8 बजे तक शायद पहुंच जाएंगे हमारे गांव। और ये लोग खाना खाते हुए कितनी बार खाएंगे यार ये लोग। तो फिलहाल हम चले घर ऑटो में, क्रोजर रह चुके हैं पीछे, तो देख सकते हो अल्मिटी का व्यू अंदर और बहुत गार्डन में मिलेगा देखने के, लेकिन अभी समय नहीं है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.